यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परिणाम जारी हुआ, जिसमें जनपद में हाई स्कूल में 88.60% स्टूडेंट पास हुए तो इंटरमीडिएट में 84.75% पास हुए। आपको बता दें कि चौरी चौरा GPS इंटर कॉलेज के स्टूडेंट आकाश निषाद ने 93.83% अंक पाकर जिला टॉप किया। वहीं कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्टूडेंट मान्या सिंह ने 93.50% अंक हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया। जिसके संबंध में हाई स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मान्या सिंह ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान कोरोना और ऑनलाइन क्लास से थोड़ी दिक्कतें आईं, लेकिन पूरी तरह से मेहनत की और आज बहुत खुशी हो रही है। इसका श्रेय हमारे माता पिता, टीचर, प्रिंसिपल तथा दोस्तों को जाता है। उन्होंने कहा कि आगे UPSC की तैयारी करनी है। परीक्षा में पास करने वाली हाई स्कूल की अन्य छात्राओं ने कहा कि रिजल्ट आने के बाद बहुत खुशी हो रही है। हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इसका श्रेय हमारे मम्मी पापा, टीचर तथा दोस्तों को जाता है। परीक्षा में अच्छे से मेहनत, रेगुलर प्रैक्टिस किया गया तथा कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन टीचर के सपोर्ट से पढ़ाई अच्छे से हुई। कई छात्राओं ने बताया कि आगे वे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनना चाहते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए हाई स्कूल में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मान्या सिंह तथा अन्य छात्राओं ने कहा। विक्ट्री का साइन बनाओ ना, विक्ट्री बनाओ, ऐसे करो। आप जो सेकंड टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट की जो सेकंड टॉपर आपको, फर्स्ट टॉपर कहाँ के? बनाइए सब लोग बनाइए। बनाइए आप भी, वो बनाइए। अरे शोर भी मचा सकती हेलो गर्मी में आया खुशी। इधर देखो, इधर मान्या सिंह उठाओ 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 उठाओ, पैर को तो पकड़ो। मैं भी नंबर तो आपको बात करवा दे रहा हूँ। मोबाइल पीछे रखिए थोड़ा सा, गिर जाएंगे। वोटिंग कर दो ना। मेरा नाम सफिया खान है और मेरा 85% आया है बोर्ड में और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और क्या बोलना, इसका श्रेय मेरे सारे टीचर्स को, मेरे सिस्टर प्रिंसिपल को और मेरे पेरेंट्स को, सबको जाता है इसका श्रेय। तैयारी तो की थी, बहुत मेहनत की थी और जितनी मेहनत की थी उतना अच्छा परसेंटेज भी आया। मैं अपने परसेंटेज से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और मैं 83.5% मतलब मेरा है। जी मैं अपने टीचर्स और मम्मी पापा और अपनी दीदी को। रोज़ मतलब प्रैक्टिस करिए, दो मतलब कम से कम 2-3 घंटे पढ़िए और फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम आए तो थोड़ा और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। क्या पसंद है ये? हाँ जी सर, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है और मेरा 83.83% आया है। किस तरह से लेना चाहती हूँ? हाँ
अपने टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। किस तरह से आपने तैयार की थी? मैंने तैयारी मतलब बहुत आसानी से हो गया था, शुरू से ही पढ़ना पड़ा था। मेरा नाम श्रद्धा त्रिपाठी है और मेरा बोर्ड में 84% आया है और बहुत मेहनत किए थे, भले एक्सपेक्टेशंस जितना नहीं आया लेकिन अच्छा आया है और मेहनत किए थे तो अच्छा तो ऑफ कोर्स लग रहा है। किसका श्रेय देना चाहते हैं? पहले तो मम्मी पापा का ऑफ कोर्स, बहुत मेहनत की वो लोग मेरे साथ, और उसके बाद मेरे टीचर्स जो मतलब पूरे 24/7 हम मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार थे, ट्यूशन वाले सर, कोचिंग में, स्कूल में, सब लोग बहुत मेहनत किए हैं। हाई स्कूल? हाँ हाई स्कूल है, क्लास 10। पूरे दिन पढ़ना पड़ता था, पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाता था, लेकिन पढ़ना तो ऑफकोर्स पड़ेगा ही, बहुत मेहनत की है तो ऑफकोर्स रिज़ल्ट अच्छा है तो अच्छा लग रहा है। मेरा नाम फ़ाइज़ा हसन है। जी खुशी तो बहुत हो रही है, मेहनत किया था तो उसी का। 88% जी 10th का। सारे सब्जेक्ट पे फोकस किया था और ये भी क्या कहते हैं, कोचिंग भी नहीं की क्योंकि मेरे सारे क्लासमेट्स कर रहे थे, तो ये उसके बाद भी 88% तो बहुत अच्छा लगा। किसको श्रेय देना चाहते हैं? हम अपने खुशी का श्रेय अपने प्रिंसिपल, टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, इन सबको। फातिमा जैनब। मैं बहुत 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 खुश हूँ, मुझे मैंने इस साल बहुत मेहनत की थी, मुझे पूरा यकीन था कि मैं इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा 90.3% है। किसको श्रेय देना चाहती हूँ? मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली, सबको ये कंट्रीब्यूशन दूँगी, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की है, इसमें पूरा सपोर्ट दिया है मुझे। जी मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सृष्टि त्रिपाठी। 83%। हाँ कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। आप भी बताओ किसको श्रेय देना चाहती हैं? मम्मी पापा और टीचर्स। कितने मेहनत की है? मेहनत मतलब हर दिन का रोज रोज का पढ़ना है बस, और एग्जाम के टाइम में थोड़ी एक्स्ट्रा। आगे क्या बनना? आगे हमें लॉ करना है, बनना IAS है। कितना परसेंट? 89%। कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो है। किसको श्रेय देना चाहती हैं? माय पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर एंड माय टीचर्स। किस तरह से पढ़ाई की? बस वही रोज का डेली रूटीन, कंसिस्टेंसी। क्या बनना चाहते हैं? आगे तो नीट करना है। जयती। कितना परसेंट है? 89। हाँ हाँ हाई स्कूल का परसेंट। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। किसका श्रेय देना चाहते हैं? मम्मी पापा को, टीचर्स को, फ्रेंड्स मेरे। अरे मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है, हर दिन रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोरोना काल ऑनलाइन? हाँ बीच में ऑनलाइन आया था तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन टीचर्स का सपोर्ट था तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो गई थी। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की तैयारी भी कर रहे हैं। सौम्या मणि त्रिपाठी। 88%। खुशी तो बहुत है, थोड़ा और अच्छा आ सकता था, बस कंप्यूटर में थोड़ा सा नहीं हुआ, बाकी अच्छा है। अपने पेरेंट्स को, स्कूल को, सिबलिंग्स, कजन, सबको श्रेय देना चाहूँगी। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मान्या सिंह। कितना परसेंटेज आया आपका? 93.5। कितनी खुशी हो रही है आपको? मज़ेदार, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। किसका श्रेय देना चाहती हूँ? सबको सबको, मम्मी पापा को, भैया को, श्रुति, मेरे बाकी दोस्त और मेरे टीचर्स सबसे ज़्यादा। किस तरह की तैयारी की आप? प्रीबोर्ड के बाद तैयारी हम लोग चालू किए थे, सारे लोग साथ में हम लोग पढ़ते थे, मतलब पता रहता था कि कौन कितना तक जा रहा है, कितना किसका कंप्लीट हो रहा है, तो हम और श्रुति साथ में ही पढ़ते थे, मतलब ऐसा। क्या बनना चाहती हैं? UPSC देखेंगे आगे।